महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आशंका को लेकर लगातार लोग अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, कई लोग बिना टिकट के पहुंचे, जिससे भीड़ बढ़ गई। ये तस्वीरें हम आपको लोकमान्य टर्मिनस की दिखा रहे हैं। मृत्युंजय, जैसा कि हमारा वादा है एबीपी रिपोर्टर में, तमाम हमारे रिपोर्टर्स सुबह से ही फील्ड में होते हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। मृत्युंजय, ये भीड़ बेहद चिंताजनक है और कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल भी है कि कहीं ऐसा ना हो लॉकडाउन लग जाए और पिछली बार की तरह फंस जाए। निश्चित तौर पर शोभना, और ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें साल 2020 के लॉकडाउन की याद दिलाती हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, इतनी भीड़ है कि लोग स्टेशन परिसर में बस एक बार प्रवेश कर जाएं तो मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। बल प्रयोग करना पड़ रहा है, कई बार डंडे दिखाकर पुलिस थोड़ा बल प्रयोग करना चाहती है ताकि लोगों की भीड़ थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन आप देखिए तस्वीर, ये मुंबई की लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जहां से उत्तर भारत की अधिकतर ट्रेनें छूटती हैं, यूपी बिहार के लिए ट्रेनें छूटती हैं, वहां की तस्वीर है। एक ट्रेन है कुछ देर बाद और इसके लिए कम से कम 10,000 से अधिक की भीड़ आपको इस लोकमान्य तिलक परिसर में नज़र आ जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे लगातार हिदायत दे रहा है और जानकारी दे रहा है कि जिसके पास वैलिड टिकट है वही व्यक्ति स्टेशन परिसर में प्रवेश करे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, कई लोग तो दो दो तीन तीन दिनों से स्टेशन के इस परिसर में बैठे हुए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें सामान्य श्रेणी का टिकट मिल जाए, जनरल कोच का मिल जाए, या फिर वो पेनल्टी देकर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि टिकट नहीं मिल रहा और इसी वजह से लोग दो दो तीन तीन दिनों तक स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप देखिए जरा गेट के पास, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मृत्युंजय। लेकिन अब मुझे देश की राजधानी दिल्ली का रुख करना भी बहुत जरूरी है। अंजलि सिंह कालका जी मंदिर से हमारे साथ मौजूद है। क्या अंजलि, आस्था जो है वो कोरोना के डर से बड़ी होती हुई आप देख रहे हैं यहाँ इस मंदिर पर, क्या तस्वीरें हैं? शोभना, आपको कालकाजी मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर नवरात्रि का पहला दिन है और अमूमन जब हम यहां दर्शन करने आते थे इस दिन पर तो यहां तिल रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज मंदिर प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि लोगों को गर्भगृह जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर तो नहीं जाने दिया जाएगा। इन जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये दरअसल बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे अभी तक हम नाइट कर्फ्यू या कर्फ्यू से छूट के लिए ई पास की व्यवस्था करते थे, मंदिर प्रशासन की ओर से दरअसल इस बार ई पास का इंतजाम किया गया है। तो ये देखेंगे आप, इस तरह के ई पास अगर आपके पास है तभी आप इस जगह तक प्रवेश कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको इस ई पास के जरिए एंट्री लेनी होगी, वरना लोग जो हैं श्रद्धालु बाहर से भी जा रहे हैं। इस बार आप लोगों ने इस तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद किए हुए हैं। अब अजय बाचलू का रुख करना चाहूंगी। अजय बाचलू कटरा में मौजूद हैं और क्योंकि वहां भी मैया के कई मंदिर हैं और आज क्योंकि नवरात्र शुरू हुआ है, आज पहला दिन है। अजय बाचलू, हमें तस्वीरें दिखाई है मंदिर से, क्या तस्वीरें? लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मंदिरों ने क्या एहतियाती कदम उठाया है? देखिए शोभना, मैं इस समय माता वैष्णो देवी के बेस स्टेशन कटरा में हूँ। यहाँ किस तरह से इंतजाम किए हैं क्योंकि आज पहला चैत्र का नवरात्रा है और यहाँ पर देश भर से लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाने के लिए पुलिस ने कमर कसी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के जवान लगातार तैनात किए हैं ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही यहाँ पर मास्क, आप देखेंगे जो भी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं वो मास्क पहन के यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही अगर श्राइन बोर्ड की बात करूँ तो श्राइन बोर्ड ने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी शख्स यहाँ पर आएगा, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उसकी टेस्टिंग को सुनिश्चित किया गया है, चाहे वो रेल से आ रहे हैं, चाहे वो बस से आ रहे हैं या अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालु थोड़ी देर रुक रहे हैं तो वहां पर लगातार इस तरह की सैनिटाइजेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है। अमूमन नवरात्रों में जितनी भीड़ होती है उससे कम भीड़ आप देख रहे हैं कटरा में, जितनी अमूमन भीड़ होती है हर साल? क्या बहुत भीड़ कम है शोभना? जो अमूमन यहाँ भीड़ होती है वो करीब 40,000 से 50,000 लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं लोग रुक रुक के यहाँ आ रहे हैं और जो भीड़ है वो काफी कम है क्योंकि जिस तरह से अजय बाचलू मुंबई का एक बार मैं फिर रुक करूंगी, मैं आऊंगी आपके पास अजय बाचलू, एक बार फिर मैं मृत्युंजय का रुक करूंगी। मृत्युंजय, मुझे कुछ पुलिस वाले तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, भीड़ को क्या तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है?
निश्चित तौर पर देखिए बड़ी विकट स्थिति हो गई है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। आपको मैं बता दूं कि आपको वो तस्वीर साल 2020 की याद होगी जब मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर, बांद्रा रेलवे स्टेशन पर माफ कीजिएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। कुछ उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी नज़र आ रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है। वजह यह है कि यहाँ अधिकतर लोग बिना टिकट के हैं क्योंकि उनको टिकट मिल नहीं रहा है। 2 से 3 दिनों तक प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, जनरल का टिकट मिल जाए। देखिए बल प्रयोग करना पड़ रहा है, महिला पुलिस को बुलाया गया है, वो बल प्रयोग कर रही हैं। थोड़ा दम दिखाया जा रहा है, थोड़ा धमकाया जा रहा है। देखिए कुछ लोगों को लाठी पड़ी है, आप ये देख सकती हैं, कुछ लोगों को लाठी मारने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि पुलिस के काम में बाधा आ रही है, पुलिस के काम में रुकावट आ रही है और पुलिस लगातार लोगों को निर्देश दे रही है कि बिना टिकट के आप यहाँ खड़े ना रहिए। लेकिन इतनी ज़्यादा कतारें यहाँ लग गई हैं, उसमें से एक व्यक्ति अगर टिकट का है तो बाकी कुछ लोग बिना टिकट के हैं, ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, रेलवे पुलिस के अलावा यहाँ को GRP रेलवे जो RPF है वो भी टीम यहाँ और MSF की टीम को तैनात किया गया है। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी शोभना, बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, लेकिन इन लोगों की तकलीफ भी समझनी चाहिए, इनकी परेशानी को भी समझना चाहिए। अगर अचानक लॉकडाउन की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाएगी तो पिछली बार की तरह फंसने का डर है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सरकारों की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, लोगों को कुछ बताया नहीं जा रहा है और उसी का खामियाजा शायद ये भीड़ जो है वो भुगत रही है। आप सभी मेरे साथ बने रहिए और अमृतसर से गगनदीप भी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ेंगे, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे चिंताजनक तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो हमें मुंबई से मिल रही हैं, लोकमान्य टर्मिनस की ये तस्वीरें हैं। लोग लगातार पैनिक में आ रहे हैं और अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्युंजय वहां पर मौजूद हैं, अमरदीप भी, गगनदीप माफ कीजिए मुझे दिखाई दे रहे हैं अमृतसर से, उनका भी रुख करूंगी। मृत्युंजय पहले आप तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात वहां? निश्चित तौर पर शोभना बड़ी चिंताजनक स्थिति और चिंताजनक हालात है। देखिए लगातार अनाउंस किया जा रहा है, बल प्रयोग करना पड़ रहा है, डंडे दिखाए जा रहे हैं, थोड़ा धमकाया जा रहा है लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि अगले आधे घंटे बाद जो ट्रेन है अगर वो छूट गई तो फिर उन्हें इस धूप में जो 38 डिग्री की धूप है उसमें उन्हें 4 घंटे और बैठना पड़ेगा। इसीलिए हर कोई प्रयास कर रहा है कि टिकट हो या ना हो, पेनल्टी देकर जाना हो या लटक कर जाना हो, बस पहुंच जाना है। देखिए बहुत बार बल प्रयोग करना ठीक है। मृत्युंजय आप नजर बना के रखिए मुझे अमृतसर में, गगनदीप मौजूद है उनका भी रुख करना है। गगनदीप क्या हालात है अमृतसर में? देखिए शोभना अमृतसर में लगातार कोरोना के जो केस है पिछले 10 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 315 केस जो बीते 24 घंटों में आए हैं। तो अमृतसर के बस स्टैंड पे हम खड़े हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमृतसर का बस स्टैंड जो कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आमतौर पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन बैसाखी का आज दिहाड़ा है तो अमृतसर में भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आते थे, लेकिन अब उस तरह की भीड़ जहाँ पे दिखाई नहीं देती। बस अड्डा कुछ समय के लिए बंद ही भी रहा और अमृतसर के जो आज हमने सुबह गए थे सब्जी मंडी वल्ला में तो वहाँ पे भीड़ भाड़ 4-5 गगनदीप मुझे जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें बहुत सारे लोग मुझे मास्क लगाए हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और जिन्होंने मास्क लगा रखा है उन्होंने नीचे थोड़ी तक खींच रखा है। आप नजर बना के रखिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ABP News आपको रखे आगे।